ग्राम पंचायत भैसेर चावड़ी आली सरपंच श्रीमती भीखी देवी बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जोधपुर जिले की तिमरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भैसेर चावड़ी आली की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती भीखी देवी व समाज सेवी पुखाराम मिलकर क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, मैं पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बेसर चौंदियाली पंचायत समिति तिवरी जिला जोधपुर के जो नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती अपने भीखी देवी और उनके जनप्रतिनिधि हैं श्रीमान तुखाराम जी, करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या पहुंचे विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे? विकास गाँव का विकास करना ही है जी, छोटा मोटा काम है देखो वो करना ही है जी। तो बाबू जी अपने बात करते हैं शिक्षा की, पढ़ाई के प्रति अभी क्या स्तर चल रहा है, आपके क्या विचार रहेंगे? पढ़ाई तो ठीक भी चल रही है, बढ़िया चल रहे हैं जी। पहले पुराने टाइम में तो पढ़ाई कम भी थी जी, अब हम लोग सब समय देखो सब हर जाति हर व्यक्ति पढ़ाई की इच्छा कर रहे हैं जी। तो बाबू जी अपने बालिकाओं के लिए अलग स्कूल है यहाँ पे? नहीं नहीं बने। तो आपको जनता ने 36 कौम ने मिलकर सरपंच बनाया है, तो बालिकाओं के स्कूल के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? प्रति प्रस्ताव भेजा है जी, देखो अभी तक आया नहीं है जी, अब आएगा तो स्कूल भी बनाएंगे भैया। आप तो पूरा प्रयास कर रहे हो भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस प्रयास कर रहे हो। तो बाबू जी अपने बात करते हैं स्वस्थ भारत मिशन के तहत साफ सफाई के प्रति ग्राम पंचायत के प्रति क्या विचार है? ग्राम पंचायत तो जो हमारो दिवाली के टाइम है तो सब पर साफ सफाई चल रही है जी, अच्छा गाँव वासी होते हैं सबके जी, सब पूरी वो सड़कों भी होता है तो जी। तो बाबू जी अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत भैसर चौंडियाली की, पानी की क्या समस्या आ रही है? पानी की तो बहुत समस्या आ रही है जी, पानी तो पीएचडी का पानी की बहुत कम है जी, अच्छा पानी आने वाला तो टाइम पे तो नहीं आता है जी, पूर्ति गांव वासियों की नहीं, जितना पानी चाहिए उतना नहीं आता, उतना नहीं आता है जी। तो प्रस्ताव भेजा हुआ आपने? हाँ प्रस्ताव भी भेज रहे हैं जी, प्रयास करो भाई पानी तोड़ो ज्यादा खुलो बिहार घर तक पानी पहुंचे। हाँ हर घर तक। तो बाबू जी बात करते हैं चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं निकल के आ रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वल योजना है, गैस योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आ रही है जो गरीब परिवार लाभ नहीं ले पा रहे, तो इनके प्रति क्या विचार रहेंगे आपके? ये गरीब प्रति तो सबको ही विकास होना चाहिए, सबको ही होना चाहिए जी, उज्ज्वला आवास है आवास है तो कई लोगों के नहीं बना हुआ मकान जी, उसको मकान बनना चाहिए जी, यही बात है। तो बाबू जी भैसर ग्राम पंचायत की आप बात करते हैं चौंदियाली की, आजकल की क्या युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो नशे को रोकने के लिए आपकी ग्राम पंचायत जो आपके क्या प्रयास रहेगी? नशा तो ऐसी बात है, नशे में लोग कहता था है भाई नशा कम करो, बिल्कुल कम करो, नशा मुक्त भारत स्वस्थ है, तो नशो भी कम करना चाहिए जी, बहुत कम थोड़ा बहुत कम ही है जी। तो बाबू जी अपने ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल की व्यवस्था है अभी? हॉस्पिटल की व्यवस्था छोटा सा हॉस्पिटल ही रहने दी बैठे है जी, टाइम टेबल वहां जावे जी, बाकी बहुत सुविधा मतलब रात के टाइम में कम है जी। तो बाबू जी जैसे हम भी आपके पास आए तो रोड काफी खराब है, ठीक है, तो रोडों के प्रति आप भी क्या विचार रहे? रोड सेक्शन तो भेजुड़ी थे पछता तो भेजा है जी, बड़ा मैं हो जाएगा होता होता वेला जी। बाबू जी बात करते हैं जैसे 36 कौम ने आपको मिलकर चुनाव जिताया है, ठीक है, आगे दीपावली आ रही है सर, जनता के प्रति क्या बधाई संदेश है थोड़ा बताइए? बहुत धन्यवाद दे रहे हो जी, जो मामा प्रत्यक्ष आप ये है आप प्रयास कर रहे हैं जी। सर थोड़ा आप बताइए दीपावली के प्रति? दीपावली में देखिए आज जो कैसे शुभकामना जी, तो आप भी आए आपके आशीर्वाद है जी, धन्यवाद सर।